हे गाइस, कैसे सब लोग? आपकी सब बढ़िया होंगे। आ चुका आपके लिए एक और वीडियो लेकर। तो गाइस, जिन्होंने पिछली वीडियो की उनको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने अपने किए थी विलेज के ऊपर रेड, और जिससे कि हमको ये विलेजेस दे रहे बहुत ही सस्ती ट्रेड। तो भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि भाई बहुत मजा आ जाएगा जब हम रेड जीतेंगे, काफ़ी सस्ती ट्रेड मिलेंगी, तो हमको मिल भी रही है। तो भाई, आज की वीडियो में हम जल्दी से इनसे सस्ती ट्रेड जरूर लेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें भी करेंगे। तो यार, मैं सबसे यहाँ पे लेने आया हूँ कुछ लेदर, जिससे कि बना सकूँ मैं बुक्स एंड एम्ब्रेल्स। तो मेरे पास है शायद से इन्वेंटरी में, हाँ ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है। चलो भाई, दो एम्ब्रेल्स की इन्फिनिटी मिल रही है यार, और क्या चाहिए हमें। तो भाई चलो, सबसे चलते भाई इन्फिनिटी लेने, वहाँ से बस एकदम दो एम्ब्रेल्स की इन्फिनिटी उठाएंगे। हमें शायद से पिछली बार 6 एम्ब्रेल्स की उठाई थी, इस बार 2 में मिल रही है। भाई मज़ा आ जाएगा यार, आ गए यार। ओके भाई, इन्फिनिटी यहाँ से मस्त हमने उठा लिया, सिर्फ और सिर्फ 2 एम्ब्रेल्स में 2 उठा लेते, ताकि बाद में दिक्कत की बात ना हो हमारे लिए। तो अब पर ही अपने फॉर्चून 2 वाले विलेजर्स, इसके वास्ते हम 2 फॉर्चून 2 ले लेंगे, ताकि 2 फॉर्चून को मिला के हम फॉर्चून 3 कन्वर्ट कर सकें। पर यार, हमारे पास ज़्यादा एम्ब्रेल्स नहीं है, तो भाई एम्ब्रेल्स लाने के लिए हमको सबसे पहले अपने विलेजर से ट्रेड करना पड़ेंगे पेपर्स पर। यार उसने ट्रेड बंद कर दिए पेपर्स की, इसलिए भाई मैं कर नहीं रहा था मतलब उसके साथ और ट्रेड। तो यहाँ से मैंने थोड़े बहुत एम्ब्रेल्स उठा लिए, और तो भाई चलो अभी चलते हैं आप फॉर्चून 2 वाले बंदे के पास, और उससे और एक फॉर्चून 2 लेते, और जिससे कि अपने पास और एक फॉर्चून 3 आ जाएगी, समझ लो आप। तो ओके, एक और फॉर्चून 2 उठा लिया हमने। अरे हमारा कुछ गिरा अंदर, हाँ अपनी बुक्स गिरी है। अब क्या क्या भाई, क्या फेंक दूँ? चलो ये फेंक देते। चलो भाई, चलो भाई मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ गया सॉरी। चलो अभी बाहर चलते मस्त। ओके गाइस, यहाँ पे अपने स्केलेटन हंस के मस्त एकदम राउंड मारने आ रहे हैं, और यहाँ पे क्रीपर दिख चुका है हमको। तो भाई इसको हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे मतलब मार के फोड़ेंगे, उसे फूटने नहीं देंगे, कहीं हमारे घोड़े पे ही ना फूट जाए यार। ये एक तो रेयर स्केलेटन हंस, मैं उस पर मस्त घूम रहा हूँ, इसको टपली देनी पड़ेगी। ये देखो भाई, क्या टपली दिमाग सा गया, मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ पे मेरे को सामने ये दिखा था, बेसिकली वो होता है ना जो उसमें छोटी सी एक चेस्ट होती है, उसमें बड़ी ट्रेजर मैप होता है मोस्ट प्रोबेबली। और भाई वो एक ट्राइडेंट वाला बंदा हिट कर रहा है, तो भाई इसको भी पेलना पड़ेगा। भाई मेरे को लगता नहीं ये ट्राइडेंट देगा, कि कोई चांस नहीं है। लूटिंग 3 के होने के बावजूद कुछ 2% चांस रहता है। और अबे भाई, अबे उसने ट्राइडेंट दे दिया, अबे अनएक्सपेक्टेड भाई ट्राइडेंट, कैसे? अबे भाई कैसे ट्राइडेंट मिल गया हमें, अरे भाई साहब क्या लक है यार, जोरदार। तो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, हमें ट्राइडेंट मिल चुका है भाई। पहले ही अभी तक मैंने एक भी ट्राइडेंट वाले बंदे को नहीं मारा था इस वर्ल्ड में, और पहला ये बंदा तो जिसको मैंने मारा है ट्राइडेंट वाले, और उसी ने हमको ट्राइडेंट दे दिया। क्या जोरदार लक है हमारा। अपने यार स्केलेटन हंस कहीं भाग मत जा, मैं जल्दी से आता हूँ इधर कुछ देख के, उस मॉन्यूमेंट में कुछ होता है या नहीं, बेसिकली मॉन्यूमेंट नहीं, मेरे को नाम नहीं आता, उस स्ट्रक्चर में कुछ है या नहीं हम देखते। मोस्ट प्रोबेबली हमको एक बड़ी ट्रेजर मैप मिलेगा, जो कि अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी ट्रेजर में बहुत बढ़िया लूट होती है, जैसे कि आपको पता होगा डायमंड्स, हर्ट ऑफ द सी होता है, आयरन एंड लैपिस वगैरह होता है। पर मैं ना हर्ट ऑफ द सी और डायमंड से चाहिए हमको, जैसा कि मैंने सोचा था। बड़ी ट्रेजर मैप हमको मिल चुका है, और फिर थोड़ा बहुत फालतू चीज़ें, तो चलो इनको भी उठाते। और भाई अभी चलते हैं अपने बड़ी ट्रेजर मैप के ऊपर। तो चलो भाई, ट्रेजर कहाँ है वो देख लेते लगे हाथ। भाई ये ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा मेरे को, पर अपना डॉट मूव भी नहीं हो रहा, मतलब दूर है थोड़ा बहुत, तो पानी के अंदर जाने से तो डॉट ही गायब हो जा रहा है। तो चलो भाई बाहर चलते हैं, बस एकदम अपने स्केलेटन हॉर्स के साथ ढूंढेंगे ये, भाई पता नहीं कितनी दूर है। तो चलो भाई देखते हैं। भाई शुरुआत तो हमने यहीं से कर दी आगे जाने की, और यहाँ पे डॉट अभी तक थोड़ा भी नहीं हिल रहा, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ आई होप। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, काफ़ी बड़ा डॉट है वैसे मैप पे, तो भाई मूव होना चाहिए था मेरे ख्याल से, पर यार वो हो ही नहीं रहा। हाँ भाई डॉट दे रही थी, थोड़ा तो मूव हो जा भाई। भाई साहब पता नहीं यार, बहुत दूर लग रहा है यार ये ट्रेजर, या तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सिंपल ही चीज़ हो सकती है, या तो बहुत दूर है, या तो एक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखते यार थोड़ी सी दूर जाने से समझ आ जाएगा अपने आप। एक काम करते हैं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अपने स्केलेटन हॉर्स को जो घर पे कहते हैं पैदल जाके ढूंढेंगे, ताकि अपने हॉर्स को कुछ ना हो। चलो भाई सीधा घर पे ही चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं घर पे आ चुका हूँ, और इस विलेजर ने जो पेपर की रेड जो अपनी अनलॉक कर दी थी, तो भाई मैंने इससे बहुत सारे एम्ब्रेल खरीद लिए। एंड भाई अभी जाके आप ले सकते हैं मेंडिंग, जो कि दे रहे हैं आपको ऐसे 22 एम्ब्रेल्स में। तो भाई अभी जाके मज़ा आ जाएगा, हम 22 एम्ब्रेल्स की एक मेंडिंग ले सकते हैं।
और भाई मजा आ जाएगा। बस दो एमरल्ड कम पड़ रहा है और एक मेंडिंग ले सकता था यार मैं भाई, मस्त एकदम मेंडिंग मिल चुकी है। पर एक ही मेंडिंग है तो भाई बहुत सारी मेंडिंग चाहिए होगी मेरे को। और ये बंदा फॉर्च्यून टू दे रहा है, पर यार हमको तो भाई मेंडिंग से मतलब थी। और भाई एक मेंडिंग तो हमने ले लिए, और एक मेंडिंग चाहिए, पर यार उसके लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, पर बाद में ट्रेड्स महंगी हो जाएगी यार। ओके गाइस, अपना मैप में जो डॉट जो है मूव होना शुरू हो चुका है, पर यार ये छोटा हो गया है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मतलब मैं दूर आ गया हूँ या पास आ चुका हूँ भाई, क्योंकि और भाई बड़ा हो गया बड़ा अचानक से एकदम। ओके शायद से हम अभी पास आ चुके हैं, क्योंकि ये डॉट जो है बड़ा हो चुका है और हम एरो के क्रॉस मतलब उस एक्स क्रॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो चलो भाई देखते हैं भाई क्या मिलता है या नहीं हमें। ओके गाइस, तो डॉट जो है मूव तो हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब शायद से हम बहुत ज़्यादा क्लोज है, पर समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब तक मतलब मैप जो रेंडर नहीं हुआ। मतलब मैप में जो सब दिखता है ना ग्रीन, जिधर जिधर जंगल होता है उधर ग्रीन एंड वाटर होता है उधर ब्लू, वैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा। और अब मतलब क्रॉस कितना ज्यादा क्लोज है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ भाई। ये देखो ट्रेजर फिर यहाँ होना चाहिए था। अब यार ये क्या अजीब सा सीन हो चुका है हमारे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये मैप कर्स मैप नहीं है कोई जो हमको जाए, तो भाई और ढूंढना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा। जब तक रैंडर नहीं होता तब तक क्या शायद ही आपको ट्रेजर मिलने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पे हम फाइनली बोट लेके आ चुके हैं इस आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पे अपना मैप जो है फाइनली रेंडर होना शुरू हो चुका है। मतलब मैंने जैसे कहा था, जब तक मैप रेंडर नहीं होगा अपना अपने को ट्रेजर जो नहीं मिलेगा। मतलब हम जो पिछली बार जो जा रहे थे वो गलत थोड़ा सा था, क्योंकि हमारा जो डॉट था वो क्रॉस के ऊपर था, फिर भी यार मतलब हम आसपास भी नहीं थे ट्रेजर के। तो चलो भाई अभी हम काफ़ी तक क्लोज है, तो चलो सीधा ट्रेजर पर चलते हैं। लेट्स गो गाइस, फाइनली यहाँ पे ट्रेजर की पास पहुँच चुके हम, और यहाँ पे अभी हम खोदना शुरू कर सकते हैं भाई। अब एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली उस क्रॉस के बीचों बीच खोदूँ, ताकि इजीली जल्दी से ट्रेजर मिल जाए। तो भाई यहाँ पे तो शायद से दिख नहीं रहा, या फिर नीचे है तो खोद के देखते हैं। नहीं भाई इतना नीचे तो नहीं होता ट्रेजर, फिर भी खोदते देखते, क्योंकि भाई पता नहीं बाई चांस हो भी सकता है। नहीं यार नहीं होता भाई, मेरे को लग रहा है इतना नीचे कौन ट्रेजर रखता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा 3-4 ब्लॉक ही नीचे रखते हैं, ताकि जल्दी से मिल जाए। पर यार वो मिलता ही नहीं, कितना पूरा एरिया खोदना पड़ता है। तो भाई फिर एक बार थोड़ा सा साइड में खोदना पड़ेगा हमको एग्जैक्टली क्रॉस के ऊपर, ताकि हमारे को एक ही बार में ट्रेजर मिल जाए। तो भाई यार एरो भाई जा के सीधा हमको उसी जगह पे ले जा रहा है यार, मेरे को जा तक लग रहा है। देखो 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 देखो, देखो टर्न हो गए और थोड़ा हाँ अभी सामने आगे 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 एंड अभी जाके यही पे हाँ इस यही पे भाई। देखो यार मतलब आसपास इधर ही कहीं पे ट्रेजर होगा, क्योंकि यार यही पे तो आ रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा करके शाम, मतलब इधर ही रह के साइड आस आजू बाजू में खोदते डेफिनेटली मिल जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि यार इधर ही तो हम एरो के एकदम बीचों बीच है यार। अबे भाई ट्रेजर कहाँ पे छुपा है बे तू, अरे भैंस की, ओ भाई साहब ये ट्रेजर कहाँ गया भाई, ऐसी की तेसी। अबे भाई सच्ची इधर तो नहीं है भाई, पता नहीं भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई फाइनली यहाँ पे ट्रेजर मिल चुका है भाई, पक गया था यार मैं, समझ नहीं आ रहा था मतलब कहाँ भाई मतलब इधर ही था। और हर्ट ऑफ द शिप जैसा कि मैंने कहा था हमको मिल चुका है, एंड डायमंड भी हमें मिल चुका है, आयरन भी जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही मिला था, बस लाइफ के बदले एमरल्ड्स मिल गए। तो भाई चलो ये अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि एमरल्ड्स हमको चाहिए। हर्ट ऑफ द शिप सबसे रेयर चीज़ है आपको जो आज की चेस्ट में मिली है, पर उससे भी ज़्यादा मज़ेदार तो चीज़ आपको एपिसोड के स्टार्टिंग मतलब इस
एपिसोड की स्टार्टिंग में मिली थी जो कि था ट्राई टैंट। तो चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको मेरे को कमेंट में जरूर बताना आज की वीडियो कैसे लगी। और भाई आप बताते रहो कि हमको क्या करना चाहिए इस वर्ल्ड में। तो भाई ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और सपोर्ट करते रहो, 1K को आपको हमें मुझे पहुँचाना है कुछ भी करके। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते इस कैलेंडर को तो पहनना ही पड़ेगा, मेरे बहुत ज़्यादा एरर रखी मारे इसने तेरी भैंस की। रुक, पब्लिक को बाय बोल दे, चल बाय बोल, बाय बाय।